नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आज बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग देखिए जो हमारी कल की क्लोजिंग थी मतलब प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके कहीं आसपास ही वो क्लोजिंग हुई है। मीन्स देखिए यहाँ पर जो आज बैंक निफ्टी का जो लो लगा और हाई लगा उसके बारे में बात करते हैं तो 31,694 का जो है हाई लगा और लो जो लगा वो 31,019 का लगा। देखिए अब हम बात करेंगे प्रीवियस डे के लो की। देखिए यहाँ पर जो लो था वो 31,119 का था। मीन्स यहाँ से आज बैंक निफ्टी जो है कुछ नीचे गई है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर नीचे गई है बैंक निफ्टी और उसके बाद यहाँ से देखिए बट क्लोजिंग जो है नीचे नहीं दे पाई। देखिए मैं आप लोगों को भी ले चलूँगा इंट्राडे के चार्ट में और मैं वहाँ पर दिखाऊंगा कि देखिए मैंने किस तरह से आपको सवेरे मॉर्निंग टाइम में ही टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको चार्ट बनाकर मैंने बता दिया था कि मार्केट का व्यू क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अब फाइनली देखिए हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए अब हम देखिए इसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है। चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट कर रहा था उसके बारे में अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू बात कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए अब जैसा कि मैंने आपको पिछले डे के एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग चैनल यहाँ पर बन रहा था मतलब नीचे की तरफ फॉलिंग वेज हम जिसको कह सकते हैं फॉलिंग वेज बन रहा था या डिसेंडिंग चैनल बन रहा था। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 31,400 के ऊपर जो है यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 31,400 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, टारगेट हमारा 31,600 के आसपास होगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो मॉर्निंग टाइम में ही ओपनिंग जो हुई है गैप अप ओपनिंग हो गई थी और गैप अप ओपनिंग में पहली कैंडल ही जो है 31,600 के आसपास बन गई। अब देखिए 31,600 जो है हमारा टारगेट था तो 31,600 के आसपास जो पहली कैंडल बनी तो मैंने आप लोगों को देखिए एक मैंने टेलीग्राम में पिक मैंने आप लोग को सेंड कर दिया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मींस इस टाइम फ्रेम में। अब देखिए यहां पर ये जो क्लोजिंग आई है ये 10:30 बजे की बात है बट मैंने आपको 9:15 बजे के 9:20 के आसपास मैंने आपको चार्ट एक पोस्ट किया और यहां पर एक एरो का निशान ऊपर बनाया मींस कहने का कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल को क्रॉस करती है तब हम बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज अगर इसका ये लो ब्रेक कर देती है तो हम यहां पर क्लियर कट सेल के लिए जाने वाले हैं और यहां पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सेल की। तो देखिए जिन लोगों ने भी चार्ट को देखकर ट्रेड किया होगा उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए मैं आप लोगों को आधे आधे घंटे पर एक एक घंटे पर कंटिन्यू टेलीग्राम में जो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में जो भी सिनेरियो चल रहा है उन सारी चीजों के बारे में अपडेट करते रहता हूं, कौन से सपोर्ट पे है इस टाइम बैंक निफ्टी, किस रेजिस्टेंस के आसपास है, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू जो है टेलीग्राम पर अपडेट करते रहता हूं। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए अब जो इसका जो लो लगा हुआ था 5 मिनट की कैंडल का वो 31,460 के आसपास का था और मैंने आपको बताया भी था कि अगर 31,450 का लेवल नीचे की तरफ अगर निकालता है तो यहां पर क्लियर कट सेल के लिए हमने जाना है। और देखिए फाइनली यहां पर हमको मॉर्निंग टाइम में ही देखिए हमने जो ट्रेड लिए थे हमको देखिए 1:5, 1:7, 1:88 तक आज हमको प्रॉफिट मिले हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो रहे थे और जो टारगेट बहुत बड़े हो रहे थे। मॉर्निंग सेशन में ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1-1.5 घंटे के अंदर ही बैंक निफ्टी जो है जब इसने अपने 5 मिनट का कैंडल ब्रेक किया तो यहां पर देखिए 400 पॉइंट्स के आसपास का यहां पर मूव दिया, मतलब इतना मूव कह सकते हैं बहुत होता है कि 15 से लेकर कि ये 15 मिनट ऊपर सस्टेन किया उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ। तो मतलब 1 घंटे के अंदर जो है हमने यहां पर 10 बजे से पहले पहले हमने अपना डे का टारगेट पूरा कर लिया था जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट होता है। तो चलिए अब यहां पर देखिए यहां पर एक सपोर्ट जोन था इसके लिए 31,000 के आसपास। देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैं जब भी आप लोगों को बता रहा हूं 31,050 का लेवल जरूर बताता हूं। अब यहां पर भी देखिए यहां पर जो लो लगा हुआ है इसका लो लगा 31,019 का, मींस देखिए अब और जो कैंडल क्लोज हुई वो कैंडल क्लोज हुई 31,102 मींस 31,050 के ऊपर क्लोज हुई है यहां पर। तो अब यहां पर देखिए 31,050 के ऊपर यहां पर क्लोजिंग आई है तो यहां से देखिए कंटिन्यू बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक के बाद अगेन सेम लेवल के आसपास यहां पर देखिए ब्रेकआउट होने की कोशिश जरूर हुई बट यहां पर ब्रेकआउट हो नहीं पाया। मींस देखिए अब जो 5 मिनट की कैंडल ने जिसने ब्रेक किया है इसका हाई देखिए अगली कैंडल ने नहीं निकाला, मींस यहां पर एक फेक ब्रेकआउट हो गया और फाइनली यहां पर देखिए जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ। मींस कह सकते हैं कि आज एक बहुत आसान दिन था ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आज एक बहुत आसान दिन था यहां पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए अब देखिए हम यहां पर चलते हैं अपनी एनालिसिस पे, 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमको देखिए कल को तो देखिए छुट्टी है जो है रिपब्लिक डे है कल,
सो परसों मार्केट ओपन होगी तो परसों के लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करके यहाँ पर हम रख लेंगे। हमारा देखिए जो प्लान होना चाहिए वो पहले से प्लान होना चाहिए कि हमने मार्केट में जाकर क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो एनालिसिस हमने कर रखी है इन चीज़ों को मैं थोड़ी डिलीट कर लेता हूँ और आप लोगों को एक नए सिरे से चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब इस ट्रेंड लाइन को उठा के हम इस तरह से कर लेते हैं। देखिए अब ये हमारे पास एक ऊपर का ट्रेंड लाइन हमारे पास आ चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए ऊपर के लिए काम करेगा और ये जो सपोर्ट है अब नीचे के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तीन सिनेरियो बता देता हूँ, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है, इन सिनेरियो में हमको किस तरह से काम करना है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए अब ये दो लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर अभी रेंज बन रही है, यहाँ पर देखिए रेंज बने और रेंज के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो इस तरह से, ये देखिए मैं एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो 31,183 की आई है। अब यहाँ पर देखिए 31,100-150 के आसपास ओपन हो और इसी रेंज में कुछ देर ट्रेड करे और ट्रेड करने के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेक करे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मैं आप लोगों को चीज़ें प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन हो मतलब फ्लैट ओपन हो और इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली इसको ब्रेक करे, फिर हमको यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है। तो एक हमारा सिनेरियो बाइंग के लिए ये है फ्लैट ओपनिंग में। अब देखिए यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगेन देखिए ये हमारे पास सेलिंग जोन है, क्योंकि देखिए इसी लेवल के आसपास से मार्केट रिवर्स हुई थी। तो इस लेवल के आसपास अगर जाता है 31,626 के आसपास, तो वहाँ पर हमको कोई कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करना है या फिर डाटा एनालिसिस अगर कन्फर्मेशन आपको करनी आती है तो उसके बेस पर यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। 31,600 से 31,650 के आसपास यहाँ पर सेलिंग जोन है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको उस कंडीशन में क्या करना है, 31,680 का लेवल क्रॉस होने देना है। 31,680 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा यहाँ पर क्लियर कट जो टारगेट होगा वो 32,000 के आसपास होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, 31,680 से 31,700 के आसपास मान लीजिए अगर इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से हमको 200 से 300 पॉइंट्स हमको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गैप डाउन यहाँ पर ओपन होता है, गैप डाउन में ओपनिंग के बाद आपको कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल की वेट करनी है, उसका हाई और लो को आपने नोटिस कर लेना है कि हाई क्या है लो क्या है। अगर उसका देखिए लो निकालता है तो आप ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, उसका हाई जो है वहां पर स्टॉप लॉस रखकर। दूसरा आप वहां पर प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखिए 1 घंटे में चार्ट में चलते हैं और यहां पर अपने जो है नीचे के लेवल और देख लेते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में हमारे पास कौन से लेवल नीचे सपोर्ट ले सकते हैं। तो फाइनली देखिए मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल जो है हम इस सपोर्ट के आसपास देखिए खड़े हैं, यहाँ से अभी हम बाउंस बैक हुए थे। तो अब इसके बाद देखिए हमको जो सपोर्ट मिलने वाले हैं वो सपोर्ट तो देखिए एक यहाँ पर है, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट देखिए हमको मिलेगा 30,700 के आसपास। दूसरा जो सपोर्ट हमको यहाँ पर मिलने वाला है वो 30,500 के आसपास। तो देखिए 30,700 अगर ये लेवल जिस सपोर्ट पे अभी खड़ा है, देखिए मीन्स मेरा 31,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 31,700 और 30,500 ये हमारे लिए अगले सपोर्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स जो ट्रेड करते हैं उनकी एनालिसिस कर लेते हैं, एक्सिस बैंक। तो फाइनली यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है बाउंस बैक होने के लिए। अगर एक्सिस बैंक को बाउंस बैक होना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बनाए या हैमर कैंडल बनाए। फाइनली अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बन चुकी है। अब मे भी देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ की है, अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो मे भी हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं या फिर 675 के ऊपर की क्लोजिंग अगर होती है तो हम यहाँ पर 680 और 690 के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए इसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए एक चैनल बन रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए एक असेंडिंग चैनल के टाइप में बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया था कि अगर ये लो ब्रेक होता है, मीन्स अगर 311 का लेवल 310 का लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट मैंने आपको 305 और 300 को दिया था। तो फाइनली देखिए 300 का लेवल आज इसने अचीव कर दिया और 300 का लेवल अचीव करने के बाद यहाँ से देखिए एक बाइंग आ गई है नीचे से। बाइंग प्रेशर यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर बाइंग का ट्रेड बनाना है तो 320 रुपये के ऊपर ही बनाना है, उसके आसपास में कहीं मत बनाइएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। और सेलिंग देखिए अगर ये अगेन अब 300 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो 300 के नीचे की क्लोजिंग इसको 285 और 270 के आसपास लेकर जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक पे देखिए फाइनली अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए क्लोजिंग इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ दे दी थी।
बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पर एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन देखिए किस तरह से है, ये पहले देखिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब ये सपोर्ट जोन बन गया। ध्यान रखिएगा ये अभी देखिए दूसरी बार यहां पर रिटेस्ट करने के लिए आया है। अगर यहां पर देखिए 1480 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो यहां पर हम बाइंग के लिए जाएंगे, टारगेट हमारा 1500 के आसपास होना चाहिए। दूसरा देखिए यहां पर जो लो लगा हुआ है प्रीवियस डे का, इसका जो लो है ये 1440 का है। अगर 1440 का लेवल यहां पर ब्रेक होता है तो 1420 और 1400 टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, दूसरी बात बता दूं एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। अगर एचडीएफसी बैंक नीचे जाएगा, इसके साथ में अगर कोई और साथ दे दे, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे कोटेक हो, अगर ये बैंक इसका साथ देते हैं तो बैंक निफ्टी को काफी नीचे लेकर जा सकते हैं या काफी ऊपर लेकर जा सकते हैं। मीन्स जिस स्टॉक के वेटेज ज्यादा होते हैं वही बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए अपनी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर खड़ा है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा 525 का या 520 का लेवल ब्रेक होता है, देखिए 520 के आसपास एक तो ये सपोर्ट का लेवल है जो हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके रखी हुई है, दूसरा 520 के आसपास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। सो ये हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। बट अगर ये 520 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो अगला टारगेट देखेंगे वो 500 का और 490 के आसपास का टारगेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में देखिए मैंने बताया था कि बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है, बाउंस बैक होना चाहिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर बाउंस बैक होना है तो। अदरवाइज अगर बाउंस बैक नहीं होना है तो मैंने आपको बताया था कि 885 के नीचे आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़ा था, ये एक सपोर्ट जोन है इसका, देखिए जहाँ से सपोर्ट लेकर ये बाउंस बैक हुआ था। मीन्स मैं आपको देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ। अगेन देखिए दोबारा यहाँ पर प्रीवियस डे का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो इसके आसपास ही था। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक होना था तो सपोर्ट से बाउंस बैक हो जाना था, बट यहाँ पर देखिए इसमें वीकनेस है तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, 885 के नीचे आपको मैंने सेल करने के लिए बोला था। टारगेट देखिए जो यहाँ पर दिया था वो 850 के आसपास का दिया था, 850 का टारगेट भी आज हमारा अचीव हो गया। अब देखिए दूसरा जो है अभी अगेन अपने जो है दूसरे सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आके खड़ा है। अगर ये देखिए अब ये लेवल ब्रेक होता है, 835 का लेवल ब्रेक होता है तो मे बी ये ट्रेंड लाइन, अब इसके लिए अगला सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन ही है, ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, अब ये ट्रेंड लाइन ही इसका अगला सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है मे बी, मतलब देखिए ट्रेंड लाइन का लेवल जो निकल कर आ रहा है वो लेवल निकल कर आ रहा है 810 से 815 के आसपास। अगर 810 से 815 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर क्लियर कट जो हमारा टारगेट होगा वो 700 का होगा और 640 का होगा। तो देखिए मे बी यहाँ पर ब्रेक ना हो, यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एक डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट बॉटम यहाँ पर हमको दिख रहा है और दूसरा बॉटम मे बी यहाँ पर आके 810-815 के आसपास आके यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। दूसरा हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, सो यहाँ से बाउंस बैक होने की उम्मीद है। यहाँ पर अभी बाइंग मत करिएगा। हाँ यहाँ पर अगर 838 के नीचे निकलता है तो आप नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं 820 और 815 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक देखिए यहाँ फाइनली इसने अपना जो है सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया आज। ये देखिए सबसे पहले इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अगला सपोर्ट इसके पास ये, हाँ जहाँ से पिछली बार ये बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ गया था इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक होना चाहिए था। बट देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है। अब देखिए हमारे पास 27 जनवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 1770 का लेवल ब्रेक ना हो। अगर 1770 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर क्लियर कट 50 पॉइंट्स की रैली हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उस 50 पॉइंट्स की रैली के लिए रेडी रहिएगा। 1700 देखिए लेवल एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं है जाते ही मार्केट में कोटेक बैंक को सेल कर दीजिएगा, बाद में आपने कहना कि नहीं सर आपने सेल के लिए बोला था। देखिए सेल कब करना है, जब 1770 के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करेगा तब हमको सेल करना है। जब 1770 के नीचे जाएगा ही नहीं तो हमको सेल नहीं करना है। मे भी देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाती है बट अगले दिन की कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अभी ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन इसके लिए कंटिन्यू हर्डल का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब मे बी कोई कैंडल यहाँ पर बने, ग्रीन कैंडल बड़ी बने और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, या फिर देखिए 1900 के ऊपर की क्लोजिंग आए तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज अभी बाइंग के लिए नहीं जाना है। 1770 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर क्लियर कट 1720 रुपये के टारगेट के लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी देखिए अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसका ये देखिए। अब यहाँ पर जो सपोर्ट और है यहाँ पर, सबसे पहले ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ से मूव हो गई थोड़ी सी, इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन के आसपास से यहाँ पर देखिए इसको बाउंस बैक होना चाहिए, फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा नहीं है। थोड़ा सा देखिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मे बी गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से बाइंग एक आ सकती है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर ये देखिए 215 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्लियर कट हम यहाँ पर 200 का लेवल देखने वाले हैं। 215 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम 200 का टारगेट देखेंगे, अगर 215 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सो चीज़ों को ध्यान से सुन लिया करिए, लेवल को ध्यान से सुन लिया करिए, सुनने
समझने के बाद ट्रेड करिए, लेवल को देखने के बाद ट्रेड करिए, अपनी एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करिए। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली देखिए अपने चैनल पैटर्न को इसने कल ही ब्रेक कर दिया था, सॉरी मीन्स फ्राइडे के सेशन में इसने ब्रेक कर दिया था। अब जो इसका प्रीवियस जो सपोर्ट है, प्रीवियस स्विंग लो है, वो 277 के आसपास है, 277-278 के आसपास है। और फाइनली देखिए ये इस लेवल के पास आज आया भी है, 277-276 के लेवल के आसपास आया है और नीचे से देखिए एक बाइंग प्रेशर आ गया है। अब देखिए अगर इसको बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है, यहाँ से बाउंस बैक हो जाना चाहिए अगर इसमें स्ट्रेंथ बची हुई है तो। अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अगर इसमें वीकनेस आ चुकी है, तो अगर 275 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर क्लियर कट जो देखेंगे वो 255 का लेवल देखने वाले हैं। मीन्स 20 पॉइंट्स के मूव हमको यहाँ पर बिल्कुल वन साइडेड मूव मिलने वाली है अगर ये 275 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो। अदरवाइज यहाँ से देखिए सपोर्ट के आसपास है, यहां से बाउंस बैक होना चाहिए। मे भी देखिए यहां पर 27 जनवरी को यहां पर बाउंस बैक हो सकता है, नजर बनाकर रखिएगा। अगर यहां पर लेवल ब्रेक होता है तो ही सेलिंग के लिए जाइए। चलिए उम्मीद करता हूं जो मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को जो चार्ट बनाकर देता हूं या जो भी लेवल चीजें बताता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट की जो भी वहां पर कंडीशन चल रही है सारी चीजें देखिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताते रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको पसंद आई होगी। आज मैंने बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आपको एक लेवल बताया था। चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहां पर जब ये कंटिन्यू नीचे की तरफ ब्रेक कर ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हुई थी, चलिए मैं ड्रॉ करके आपको समझा ही देता हूं। 2 मिनट और लगेगा, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है पर आपको चीजें समझ में आ जाए तो अच्छा है। तो अब देखिए जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा था तो इस सपोर्ट के आसपास जब यहां पर बैंक निफ्टी 31110 के आसपास था, यहां से मैंने आपको बताया था कि यहां से देखिए बाउंस बैक हो सकता है, 75 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट्स का मैंने टारगेट दिया था। और फाइनली देखिए यहां पर जो हाई लगा वो देखिए हाई लगा 31300 का। तो देखिए चीज़ें अगर आप सोच के काम करें, समझ के काम करें, चीज़ों को एनालिसिस करके काम करें। अब देखिए हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पर 150 पॉइंट्स का था, हमको कितना मिल गया, 110 से देखिए 300 मिल गया, 190 पॉइंट मिल गया। मीन्स देखिए अगर आप यहाँ पर 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जाते तो बड़े आराम से मिल जाते। देखिए ये चीज़ें मुझे कैसे पता चलती हैं, ये चीज़ें मुझे कैसे पता लगती हैं कि यहाँ से 100 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर जाएगा या 150 पॉइंट ऊपर जाएगा या हमारा टारगेट यहाँ से अचीव होगा। ये चीज़ें देखिए सारी प्रैक्टिस से आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको आपके एक्सपीरियंस से आएंगी, बाकी चीज़ों को सीखना पड़ता है। आपको चार्ट के अंदर घुसना पड़ेगा, चार्ट से बातें करना पड़ेगा, चार्ट्स को एक एक कैंडल आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जब आप सीखना शुरू कर देंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो पर्सनल बिल्कुल ट्रेनिंग होती है, पर्सनल इंट्राडे की ट्रेनिंग होती है, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन की ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 9878137600 पर व्हाट्सअप करके आप वहां से उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।